वेलकम बैक जी, खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। और अब वक्त हुआ है कि मैं आज के अपने बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान से आपकी मुलाकात करवाऊँ। एक ऐसी मेहमान शख्सियत मैं समझती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत सारे शोबों में बहुत तरक्की हासिल की है, वहाँ पे हमारी जो हमारा जो मुल्क है और जो ज़मीन है, ये बहुत ज़रख़ेज़ है इस लिहाज से भी कि जिस तरह से यहाँ पर हमारे लोग हैं उनकी आवाज़ों के अंदर जो अल्लाह की ज़ात ने एक शिरीनी रखी है, और ऐसे ख़ानदान हमारे इस सरज़मीन के ऊपर पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो हम अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की हमदो सना जब करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक ऐसा घराना जिन्हें हम हमदानी बरादरान के नाम से जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि ना सिर्फ वो दोनों भाई बल्कि उनके वालिद साहब भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने में जो जलसे होते थे वहाँ पर सना खानी करते थे, और बहुत मशहूर शख्सियत थी जिनका नाम जो है वो मंजूर अहमद हमदानी था। उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ भी हैं, हाफिज़े कुरान हैं, तकरीबन पिछले 50 सालों से तरावी पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन्होंने हासिल की है। कौन सा ऐसा पाकिस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ पे इन्होंने नात खानी और हमदोसना नहीं की? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, PTV के रेडियो पाकिस्तान के नेशनल अवार्ड्स हासिल किए, उसके साथ साथ ATV के भी इन्होंने बहुत से अवार्ड्स हासिल किए। और मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ATV जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में पायनियर है, वहाँ पे ऑल पाकिस्तान नात कंपटीशन का जो सिलसिला था वो सबसे पहले ATV ने स्टार्ट किया। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो उस कंपटीशन के जज भी थे, जिसके डायरेक्टर थे, जो हमारे इस शो के भी डायरेक्टर हैं, अहमद अली हाशमी। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हमारी, मैं समझती हूँ, बड़ी इज्जत की बात, हमारे आज के गेस्ट हाफिज़ हकीम मरगूब अहमद हमदानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और मैं तो जब मैंने ये जाना और मुझे पता चला कि माशाल्लाह 50 बरस आपको हो गए तरावी पढ़ाते हुए, तो कितनी बड़ी सआदत की बात है। और ये सिलसिला माशाल्लाह नात खानी का, हमदो सना का, आपकी फैमिली के अंदर, तो कब सर वो वक्त आया आपकी ज़िंदगी के अंदर जब आपने ये सोचा होता ना, जब बच्चा छोटा होता है तो आप एक डिसीजन लेते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, कब आपने सोचा कि मैं भी नात खानी और हमदो सना का ये सिलसिला जो है आगे बढ़ाऊँगा? ये बेटा, ये जो एजाज़ और इनाम है, ये अल्लाह ताला की अता है, ये हमारी सोच से बाला है। उसने बचपन में, अल्लाह ताला ने ये अता फरमाया। अच्छा। कि वाले साहब की तरबियत से, उनके शौक से, बिल्कुल हम बचपन से इस तरफ रागिब हुए। बचपन से? हाँ जी। बड़ी अहम होती है बचपन की ट्रेनिंग। हाँ, सही। मैं बचपन से हमने शुरू किया, वाले साहब ने मल के शुरू कराया ना। सही। तो पहले तो हाफिज़े कुरान में बना ना। माशाल्लाह, आप बहुत छोटे थे जब आपने कुरान हिफ्ज़ किया, क्या उम्र थी आपकी? बस वो मुझे याद नहीं, लेकिन अब माशाल्लाह गोल्डन जुबली से ऊपर हो गया, अल्लाह ताला के फजल और करम से। माशाल्लाह, 50 साल में गोल्डन जुबली कराती है ना। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, तो अल्लाह की मेहरबानी से। ये उसका इनाम है, अवार्ड तो बड़े उसने अता किए हैं, लेकिन ये कुरान पाक जैसा अवार्ड कोई नहीं है। बिल्कुल सही। ये इतने साल सुनाने का उसने हिम्मत दी, सेहत दी, ये उसका बहुत आला इनाम है। कितनी बड़ी, मैं समझती हूँ, सआदत की बात है कि कुरान पाक को हिफ्ज़ किया जाए, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। सर ज़ाहिर बात है, हम कुरान पाक को पढ़ते तो हैं, मतलब अरबी में पढ़ते हैं, और जो अरबी में पढ़ने की फजीलत है वो तो किसी और ज़ुबान पर उसको फोकियत हासिल हो ही नहीं सकती। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि कभी आपको तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ने का इत्तेफ़ाक़ हुआ? हाँ जी, होता है ज़्यादा, लेकिन तरावियाँ सुनाने के ज़्यादा जो होती है ना जिम्मेदारी, इस उसके अलावा आम दिनों में कभी तर्जुमा पढ़ते हैं। सही। लेकिन माह रमज़ान में तो फिर तरावियाँ पढ़ानी होती है ना, रात को कुरान पाक सुनाना होता है। बिल्कुल। फिर उस मंजिल को याद करने का ही ज़्यादा सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, अगर हम कुरान पाक की तालीमात के बारे में पढ़ें, अच्छा तो जो अरबी जिस वक्त आप लोग मतलब हिफ्स माशाल्लाह करते हैं, तो हिफ्स के साथ साथ समझाया भी जाता है कि इसका, इस लफ्ज़ का मतलब ये है, या बस सिर्फ हिफ्स कर लेते हैं? सिर्फ पहले जब हम लोग जब छोटे थे, जब बचपन में पढ़ा, तो उस वक्त, अब तो है रिवाज ये कि 5वीं क्लास के बाद बच्चों को दाखिल किया जाता है। सही। उस वक्त 5वीं क्लास वाला सिस्टम नहीं था, सिर्फ छोटी उम्र में ही बच्चों को मदरसे में दाखिल किया जाता था। ठीक।
वो पाँचवीं क्लास का जो सिस्टम था वो बाद में किया जाता था। मेरे वाले साहब ने फिर मुझे पाँचवीं क्लास का इम्तहान एक ही साल में क्लियर करवा दिया था। अच्छा, ऐसे अच्छे टीचर मुझे दिए, एक साल में मुझे पाँच क्लासों का उन्होंने करवा दिया। तो माशाल्लाह बचपन से ही आप बहुत इंटेलिजेंट थे, तभी जाहिर है कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर सके, क्योंकि कुरान पाक को हिफ्ज़ करना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नातों का सिलसिला जो है माशाल्लाह वो जारी सारी है आपका, और ना सिर्फ लाहौर में पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अक्सर आपका आना जाना होता है, और आपको ये सआदत हासिल होती है कि आपकी आवाज़ के ज़रिए अल्लाह की हमद और सना जो है वो गूंजे। ठीक है, तो कौन सी ऐसी नात है आपकी जिसको पढ़े बगैर आपका जो महफिल समा होता है या नात की जो महफिल होती है वो मुकम्मल नहीं होती? नहीं, बहुत से कलाम हैं, लेकिन एक कलाम वो ऐसा है कि वो हर चैनल पे उसकी फरमाइश, महफिलों में भी उसकी फरमाइश होती है, सब चैनल पे भी उसकी उसी की फरमाइश हो जाती है कि जी आपने वो कलाम सुनाना है, तो मैं चाहता हूँ उसको चेंज करके कोई और सुना दूँ। अच्छा, वो तो वो कौन सा कलाम है जिससे जिसकी बहुत फरमाइश करते हैं? वो जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए, वाह वाह वाह, वो उसका सुरूर कैफ है। 83 से बेटा वो शुरू हुआ। अच्छा, 83 में अल्लाह ताला ने हज अकबर अता किया, माशाल्लाह। तो वहाँ कुछ दोस्त थे, उन्होंने तहज्जुद के टाइम पे बिल्कुल गुम्बद शरीफ के ज़ेर साया बैठ के बाबा जबरील के बाहर नातें सुनी रात को, माशाल्लाह। तो उस वक्त वो कोई सख्ती नहीं था, 83 में सख्ती का इतना दौर नहीं था मना करने का, इसलिए वो कोई पाबंदी नहीं थी। बाहर बैठ के हम अदब के साथ मध्यम आवाज़ में नातें पढ़ी, तहज्जुद की अज़ान हुई तो अंदर गए तो जालियाँ चूमने की सआदत मिल गई। अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया हुज़ूर की मेहरबानी से, करम नवाजी से, आपके कदमैन शरीफैन से भी जालियाँ चूमी आराम से। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हमदानी साहब उधर आएँ, मुआजा शरीफ की तरफ भी कोई छुटता नहीं है, दोनों तरफ से सरकार ने कहा करम बड़ा तंग करते हैं। हाँ जी, जालियाँ चूमने का जो मज़ा आया ना, उसके बाद फिर इस कलाम की समझ आई ना। हाय हाय, उससे पहले पढ़ चुके हुए थे। हाँ, ये मंजर कशी है, उससे पहले नहीं पढ़ा था, उस 83 में आने के बाद ये शुरू किया। बाद पढ़ा, हाँ, तो वो फिर आप महसूस करके फिर जो हाँ जी एक फीलिंग आती है, वो मीनार नजर आए को जो जब नजर आए और ये सारा ऐसा इनाम मिला जालियाँ चूमने का, बस याद रहा इतना, सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, तो ये उसके बाद फिर इसका सुरूर आया ना, वो आज तक उसके फिर सुरूर भी सारी और वो ना सिर्फ सुरूर आपको मिलता है बल्कि जो जो सुनने वाले होते हैं उनको भी वो सुरूर, बिकॉज़ ज़ाहिर है जिस तरह से आप महसूस करके पढ़ते हैं और वो फिर लोगों को सहारा होता है। वो दोनों तरफ ही है ना, कि हमें पढ़ने का सुरूर मिलता है कि हमें भी वो मंदिर कशी सारी और वो नज़ारे सारे याद आ जाते हैं, एकदम इंसान वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जो मोहब्बत वाले शौक वाले हैं, पहले तो आके बताते थे, अब वहाँ से मोबाइल करके मोबाइल पे बात करनी शुरू कर देते हैं कि जब यहाँ पहुँचे हैं तो आप याद आ रहे हैं। अल्लाह ने दुआओं का वसीला बना दिया ये, बिल्कुल सही। वहाँ जाके मदीना शरीफ पहुँचते हैं तो वहाँ कहते जी हम तो जब मीनार देखे हैं तो आप याद आ गए। अच्छा, बहुत सारी हम मतलब बहुत सारे कलाम सुनते हैं, बहुत सारी आप नातें पढ़ते हैं, मगर चंद एक नातें ऐसी होती हैं जो दिलों पे जाके एकदम से असर करती हैं, आपको क्या लगता है उसकी क्या वजह होती है? कलाम होता है या कोई उसकी कोई टाइमिंग ऐसी होती है, क्या होता है? वैसे आप जाहिर है बहुत सारे कलाम आपके ऐसे जो लोगों के दिलों में जिन्होंने घर किया, क्या आपको महसूस करते हैं कि क्या होती है उसमें? बेटा ये कैफियत होती है ना, एक तो नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बयान की जाती है, आपकी तारीफ़ होती है, तो ये सुनने वाले होते हैं जो वो ज़ौक़ और शौक़ से, अदब से, दिल की गहराई से जो सुनते हैं ना, उन पे असर इस तरह होता है। पर कुछ कलाम ऐसे होते हैं जिसमें हुजूर की बारगाह में इल्तिजा की जाती है, मगफरत, हाजिरी, मगफरत के लिए, हाजिरी के लिए, राइट। तो कुछ में कलामों में मदीना मुनव्वरा की मंजर कशी होती है वहाँ की, तो इसलिए फिर जो इंसान वो डूब के वो वहाँ पहुँच जाता है एकदम, सही। इसलिए फिर उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है, तो इस वो हाजिरी का भी जो होता है या कोई अपनी कैफियत होती हैं, इस वजह से वो फिर कैफियत सुनने वाले की, पढ़ने वाले की भी ऐसी हो जाती है, अगर वो दिल की गहराई उसकी तवज्जो उधर हो, मदीना पाक की तरफ हो, तो सुनने वाला भी जब इस तरह गहराई से वो डूब के सुनते हैं ना, फिर वो अश्कबार भी हो जाते हैं, बिल्कुल। और मार्फत की भी बात होती है ना, तो मैं ये चाहूँगी कि आपने कहा कि वो कलाम की बहुत फरमाइश करते हैं लोग और इसके बारे में कहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो दूसरा कलाम है वो भी हम ज़रूर सुनेंगे आपसे, ज़ाहिर है आपकी माशाल्लाह आज यहाँ पर आमद है, तो मगर उससे पहले ये कलाम ज़रूर करें। बहुत सारे लोग आप आए हैं तो वो इल्तिजा भी कर रहे होंगे, चाह भी रहे होंगे कि ज़रूर आपसे ये सुने।
जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे, अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त वो आका का दरबार नजर आए, बस याद रहा इतना, सीने से लगी जाली फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, गो याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, बस सरकार के पहलू में दो यार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। जज़ाकअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, वाकई वो जिसे कहते हैं ना दिल को छूने वाला कलाम, और इतनी खूबसूरती से माशाल्लाह अल्लाह की बहुत अता है आपके ऊपर। यहाँ पे जी हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह।